कुत्तों का ट्रक। चंपक कुत्तों को पकड़ने वाला ट्रक चलाता था। उसका ट्रक सरकार ने उसे इस काम को करने के लिए दिया था। महीने में दो बार उसे करीब 50 कुत्ते पकड़कर इंजेक्शन लगवाने के लिए दफ्तर ले जाने होते थे। चंपक कुत्ते पकड़ने में माहिर था और वो आसानी से खतरनाक और खूंखार कुत्ते पकड़ लेता था, इसलिए दफ्तर में सब लोग उसकी बात मानते थे। एक दिन उसके ऑफिसर ने उससे कहा, अरे चंपक, शहर के पास बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे से कुत्तों के काटने की बहुत शिकायतें आ रही है, तुम वहाँ चले जाओ और कुत्ते पकड़ कर ले आओ। अरे साहब, इतनी दूर? अगर कई दिन लग गए पकड़ने में तो मुझे कुछ दिन वहीं रहना होगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे, पर पहले कुत्ते तो पकड़ कर लाओ। चंपक बेलापुर चला गया। अरे ये बेलापुर तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ कुछ दिन तो रहूँगा ही रहूँगा। चंपक ने वहाँ रहना शुरू किया, पर वहाँ उसने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। एक दिन वहाँ का सरपंच चंपक के पास आया। अरे भाई चंपक, तुम्हें यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, तुमने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अफसर का मुझे फ़ोन आया है, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। अरे जल्दी क्या है सरपंच जी, अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोग चिंता ना करें, मैं सभी कुत्ते पकड़ कर ले जाऊँगा। अरे बेटा, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं। अच्छा पकड़ता हूँ, पर आपको मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या कहो, हमें कुछ देना होगा? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सरपंच जी, आपके यहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार और तेज हैं, इन्हें पकड़ने के लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें तो ये काम जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर हम तुम्हें पैसे ना दें तो? तो फिर कुछ दिन और रहिए इन कुत्तों के बीच। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कल ही कुत्ते पकड़ने होंगे। अगले दिन सुबह ही सरपंच चंपक के पास आ गया। आइए आइए सरपंच जी, पैसे लाए हैं ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देगा कोई और ही? अरे कोई भी दे, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तभी चंपक का अफसर वहाँ आ गया और उसने चंपक की खूब डांट लगाई। चंपक, ये लालच में पड़कर तुमने जो काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। हमें एक और आदमी मिल गया है जो कुत्ते पकड़ने में तुमसे भी ज्यादा तेज है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी रिश्वत नहीं मांगूंगा। और चंपक ईमानदारी से अपने काम करने में लग गया। मुर्गी वाले और अंडे वाले की लड़ाई। सोनू नाम का एक आदमी एक गांव में अंडे बेचा करता था। उसका एक पोल्ट्री फार्म भी था, लेकिन वह सिर्फ अंडे ही बेचा करता था, क्योंकि उसे अपनी मुर्गियों से बहुत लगाव था। सोनू का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, सभी गांव वाले उससे अंडे लिया करते थे। एक दिन चंदू नाम का एक आदमी दूसरे शहर से वहां मुर्गियां बेचने आया। उसने सोनू की दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगा ली। अरे ये कैसा आदमी है, मुर्गियां बेचता है, इससे अच्छा तो अंडे बेच लेता। एक दिन सोनू चंदू के पास गया और कहने लगा, अरे भैया ये मुर्गियां क्यों बेचते हो, इससे अच्छा तो अंडे बेच लेते, रोज रोज न जाने कितनी मुर्गियों की जान जाती है। चंदू यह सुनकर कहने लगा, तुम मुझे मत सिखाओ, अंडों का धंधा कौन चलाए, अगर टूट गए तो। सोनू और चंदू के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे, उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, दोनों लड़ते भी रहते और अपना काम भी करते रहते। धीरे धीरे सोनू की मुर्गियां बूढ़ी होने लगी और अंडे ना दे पाती। उसके पोल्ट्री फार्म में जगह कम होने के कारण वे बूढ़ी मुर्गियां दूसरी मुर्गियों के अंडे भी तोड़ देती थी। इस कारण सोनू का काफी नुकसान होने लगा। वहीं चंदू की मुर्गियां भी खत्म हो गईं और उसे मुर्गियां मिलनी बंद हो गई, क्योंकि जहां से वो मुर्गियां लाता था वह पोल्ट्री फार्म बंद हो गया था। इस तरह दोनों का ही धंधा कम होने लगा। एक दिन चंदू ने सोनू से पूछा,
अरे सोनू, आजकल तुम्हारा धंधा ठीक नजर नहीं आ रहा। सोनू ने कहा, तुम्हारा धंधा भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। दोनों ने ही अपने अपने धंधे का हाल एक दूसरे को बताया। बातों ही बातों में दोनों ने एक नुस्खा निकाल लिया। अरे चंदू, क्यों ना तुम मेरी बूढ़ी मुर्गियां ले लो और उन्हें बेच दो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चंदू ने सोनू से बूढ़ी मुर्गियां ले ली और उसे उन्हें बेचकर काफी पैसे मिले। इससे उन दोनों के बीच एक नया धंधा शुरू हो गया। ऐसा कर दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों की ही बहुत अच्छी कमाई होने लगी। एटीएम चोर। चंदू बचपन से ही बस स्टैंड पर भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके उसे अपने खाने के लिए पैसे तो मिल जाते थे, पर अब वह बड़ा हो गया था। वह एक दिन सोचने लगा कि अधिक पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्या करे। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और कपड़े पहनने का शौक है। मैं तो सदा लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठा ही करता रहता हूँ, पर कभी अपने शौक के लिए एक रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि अगर मैं सूट पहनकर घूमूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। अब तो अपने शौक दबाने की आदत ही हो गई है। चलो गिनकर देखता हूँ आज कितने पैसे हो गए, फिर सोचूंगा क्या करना है। चंदू पैसे गिनना शुरू कर देता है, तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार लगे एटीएम मशीन पर जाती है, जहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वह उससे जाकर भीख मांगता है। दे दे बाबू, भूखे को रोटी के लिए 5-10 रुपए दे दे बाबू। अरे, तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे बाबू, मुझे क्या समझा रहे हो, आपने भी तो अभी भीख मांगी है इस मशीन से। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और उसे समझाता है। अरे भैया, ये तो मेरे अपने जमा किए हुए पैसे हैं। और वह चंदू को एटीएम मशीन और कार्ड के बारे में बताता है। चंदू ने कई दिनों तक एटीएम के बाहर खड़े होकर देखा और सोचा कि इससे पैसे निकालने के लिए क्या करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। आ गया आइडिया, मैं समझ गया मुझे इससे पैसे कैसे निकालने हैं। फिर वह सभी भिखारियों को इकट्ठा कर कहता है कि उसने बैंक वालों से मिलकर उनके लिए यह एटीएम खोला है, ताकि वे अपने पैसे जमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। लो भाई चंदू, मेरे पैसे भी जमा कर दो। हाँ हाँ, ये ठीक है, मैं अपने देश की सरकार से भी कहूँगा भिखारियों के लिए हर शहर में एटीएम खोले। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। भिखारी चंदू को पैसे देते, वो एटीएम में जमा करने का दिखावा करता और आवश्यकता पड़ने पर भिखारियों को चंदू पैसे वापस भी कर देता। एक दिन चंदू ने कहा, अरे बाप रे, एटीएम तो खराब हो गया। अरे भाई लोग, जरा मेरी सहायता करो इसे खोलने में। सभी भिखारी चंदू की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता चंदू उनसे एटीएम में चोरी करवा रहा है। एटीएम मशीन खोलते ही बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है और पुलिस वाले आकर सभी भिखारियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो भीख मांगते मांगते चोरी करने लगे। चलो सर जेल में, वहां जाकर भीख मांगना। और पुलिस सबको पकड़कर कैद कर देती है। जोर नगर में करम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसका ट्रांसपोर्ट का काम था। वह बहुत ही घमंडी था। गांव से शहर की ओर आने जाने के लिए उसी की एकमात्र बस थी। वह उसे अपनी मर्जी से चलाता था। एक दिन कुछ गांव वाले जो बस का इंतजार कर रहे थे, आपस में बात करने लगे। भैया जी, बस जल्दी चला लो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। भैया, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम जल्दी बस चला लो। हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, मुझे अपना चेकअप कराना है भाई, समय पर बस चला लो। यह सुनकर करम सिंह बोला, अभी मैं खाना खा कर आता हूँ, तभी बस चलेगी। जाना है तो इंतजार करो, वरना पैदल ही चले जाओ। सभी लोग मजबूर थे, उन्हें उसकी बात माननी पड़ती थी। एक दिन उसकी बस जब शहर में खड़ी थी, एक आदमी आया। भैया, क्या यह बस तुम ही चलाते हो? हाँ, उस गांव में सिर्फ मेरी ही बस जाती है, तुम्हें जाना है तो तुम्हें इंतजार करना होगा। वह आदमी चुपचाप बस में बैठ गया और रास्ते में करम सिंह की हरकतों को देखता रहा।
उस बस का कंडक्टर रामू भी अपनी मनमर्जी से पैसे लोगों से ले रहा था। इतने पैसे देने हैं तो दो, वरना बस से उतर जाओ। सभी लोग उनसे बहुत परेशान थे और आपस में बातें करते थे, अगर कोई और उस गांव में बस चला ले तो उसे करम सिंह से छुटकारा मिल जाए। भैया ना जाने वो दिन कब आएगा। वह आदमी यह सब सुन रहा था। वह शहर से गांव आया और अगले दिन गांव से शहर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद शहर के बस स्टैंड पर करम सिंह की बस के साथ एक नई बस खड़ी थी और उसमें कंडक्टर जोर नगर की आवाजें लगा रहा था और कह रहा था यह बस समय पर जाएगी और किराया भी कम लगेगा। जोर नगर, आइए जोर नगर जाने वाले, यह बस समय पर जाएगी और किराया भी कम लगेगा। जोर नगर, जल्दी बैठो जोर नगर वाले, जल्दी बैठो। सभी लोग उस बस में बैठ गए और बस समय पर चलकर गांव पहुंच गई और अगले दिन सुबह भी वह बस गांव से शहर समय पर आ गई। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज मैं सही समय पर कॉलेज पहुंच गई हूं। हाँ, मैं भी आज ऑफिस में समय पर पहुंच गया हूँ। यह देखकर करम सिंह को बहुत बुरा लगा और वह उस आदमी के पास गया। जब उसने देखा, अरे इसका मालिक तो वही आदमी है जो उस दिन बस में आया था, तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए कहते हैं, हमें सभी लोगों के समय की कदर करनी चाहिए। और करम सिंह ने भी यही किया, वह अपनी बस को समय पर चलाने लगा। गाँव वालों को भी दो बसें होने से फायदा मिला। Please subscribe.